प्याज की बढ़ती कीमतों को देख सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। पिछले 10 दिनों से जिस तरह से प्याज के दाम तेजी से बढ़े, तकरीबन 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक में प्याज बेची जा रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2020 को कुछ कड़े फैसले लिए, जिसमें थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट 25 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए 2 मीट्रिक टन तय कर दी गई है। आयात करने वाली प्याज पर ये लिमिट लागू नहीं होगी। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और आयात के नियमों में भी ढील दे दी गई है। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिश के बावजूद प्याज के भाव बढ़े हुए हैं। अभी भी प्याज कुछ बाजारों में 90 रुपए प्रति किलोग्राम से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक में बेची जा रही है। हालांकि इन मंडियों को उच्च गुणवत्ता वाले प्याज के लिए जाना जाता है। सोने में आई गिरावट और चांदी में आई 121 रुपए की तेजी। 23 अक्टूबर को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना कमजोर रहा, बल्कि चांदी मजबूती से बंद हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने में 75 रुपए की गिरावट देखी गई, यानी कि 51,069 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बाजार बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 121 रुपए की तेजी के साथ बंद हुई, यानी कि 62,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर। 22 अक्टूबर को सोना 51,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि चांदी का भाव 62,812 रुपए प्रति किलो था। राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव तेजी के साथ 1,908 रुपए प्रति औंस था, जबकि चांदी का भाव 24.72 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। नई तकनीक के साथ करें मछली पालन, होगा कमाई का इजाफा। किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार बायोफ्लॉक तकनीक की शुरुआत कर रही है। भारत सरकार की कोशिश किसानों और बेरोजगार नौजवानों के बीच इस नई तकनीक को बढ़ावा देने की है, ताकि उनके लिए आमदनी के नए जरिए बन सके। बायोफ्लॉक तकनीक को मछली पालन में नई ब्लू क्रांति माना जा रहा है। ये पूरी दुनिया में खुले तालाब में मछली पालन का बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। साथ ही बायोफ्लॉक तकनीक आप बेहद कम लागत में कर सकते हैं, जिसमें मछली के लिए जहरीले पदार्थ जैसे अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट को उनके भोजन में तब्दील किया जा सकता है। इस तकनीक से बिना किसी नुकसान के अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। बायोफ्लॉक तकनीक को अपनाने से कम पानी और कम खर्च से अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों के मल और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के खाने में बदल दिया जाता है। ये तकनीक पहले ही कई राज्यों में अपनाई जा चुकी है और इस तकनीक से कई यूनिट सफलतापूर्वक चल रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है, जिसके तहत आसानी से लोन लिया जा सकता है, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए टिकाऊ तरीके से नीली क्रांति लाना है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।